यू नीड कैल्शियम बिकॉज यू आर बोन आर वीक. आपके शरीर में कैल्शियम की कमतरता है और इसकी वजह से आपकी हड्डियां वीक हो गई है क्या? Do you have problem with your stomach? क्या आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है? If yes, watch this video. अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो अच्छे से देखिए, स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से देखिए. If you are not digesting well, अगर आपके पाचन संस्था अच्छे से काम नहीं कर रही है, you are getting acidity. अगर आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम है, और यू हैव वीक बोन्स, अगर आपके शरीर की जो हड्डियां है वो कमजोर है, आई रिकमेंड ड्राइड रेडिश टी फॉर यू. तो आपके लिए एक नई बहुत अच्छी चीज है, वो है जो मूली होती है वो ड्राई करके उसकी टी बना के आप पियेंगे तो अच्छा रहेगा. ड्रिंक और रेडिश टी, आपने कभी रेडिश टी, मूली की जो टी होती है, चाय होती है जिसको आप बोलते हैं, वो पी है? Have you heard about reddish tea? कभी इसके बारे में सुना भी है? If you look here, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, you see many dried reddish. इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे मूली है, उसको सुखा के रखा गया है. I usually keep this in the fridge and make a tea. ये इनको ऐसे ड्राई करके, इसको सुखा के फ्रिज में रख के रख देते हैं, ऐसे स्टोर करके, और फिर इसकी दिन एक एक दिन ऐसे चाय बनाते हैं. Do you know the effect increase when you dry your vegetable and fruit? जब भी कोई भी फल होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जी होती है, उसको जब हम लोग सुखाते हैं तो इसका इफेक्ट ज्यादा गुना बढ़ता है. When you dry this radish, जब आप इस मूली को सुखाते हैं, it provides a lot of calcium, potassium, magnesium and vitamin B2. जब आप इसको सुखाते हैं तो ये बहुत सारे जो हमारे शरीर के अंदर की जरूरत होती है, केमिकल तत्व होते हैं कुछ जो शरीर के लिए जरूरत होते हैं, उनको हमें बनाने के लिए हमारे शरीर में मदद करता है, जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और विटामिन B2 है. Also, it has more dietary fiber. इसके अंदर डायटरी फाइबर होते हैं जिसको हम आहार के लिए हमारी मदद करने वाले तंतु जिसको हम बोलते हैं, वो इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं. During the process of drying, it makes a vitamin D which helps our body to absorb calcium. जब ये सूखता है उस टाइम पे ये विटामिन डी बनाता है जिसकी हमें हमेशा जो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद होती है. One more thing to remind. एक और एक बात है जो याद दिलाना चाहते हैं. This dried radish has 15 times more calcium than raw radish. जो कच्चा मूला होता है, मूली होती है ऐसे, उसके अंदर से 15 गुना ज्यादा मात्रा में कैल्शियम जो सूखा हुआ मूला होता है उसके अंदर होता है. So I strongly recommend the person who has osteoporosis. जिनके अंदर osteoporosis की प्रॉब्लम है, जैसे कि osteoporosis मतलब कि जो बोन्स होते हैं, हड्डी होती है, उसके अंदर छेद बनते हैं और वो बहुत वीक हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है. ये स्ट्रांगली उनके लिए रेकमेंड करते हैं. ओके, लेट्स मेक इट. अभी शुरू करते हैं. इट्स वेरी सिंपल. ये बहुत आसान है. जस्ट कट, ऐसे कट करना है, सिर्फ कट करना है ऐसे. एनी वन कैन मेक, कोई भी इसको बना सकता है. ऐसे कट करना है, लंबे पतले पीसेस में इसको कट करना है. पुट दिस ऑन द ट्रे, ऐसे हम लोग जमा करेंगे ट्रे में, इसको बना के कट करके. दिस ऑन द ट्रे एंड टर्न ऑन द पैन. ये फैन के नीचे रखिए. टर्न ऑन द पैन, फैन के नीचे रखिए. ये ऐसे रख के इसको थोड़ा मतलब सूखने दीजिए थोड़ा सा. हाई रे पे और फैन हाई रे, फैन को हाई कीजिए, स्पीड इसकी बढ़ाइए, हाई कीजिए. इट टेक 3 एंड 5 डे फॉर ड्राई.
ये इसको पूरी तरह से ड्राई होने में सूखने में 3 से 5 दिन लग सकते हैं। के रखा I already making. बहुत सारे बना के रखे हैं पहले। I already makes this dry radish. ये जो मूली है उसको पहले से सुखा के रखा था। So I just show you how to make to the tea directly. इसीलिए इसी को इस्तेमाल करके अभी ये दिखाएंगे डायरेक्ट आपको कि इसकी टी कैसे बनानी है। Firstly, add this dried radish in this frying pan. सबसे पहले ऐसे फ्राइंग पैन में ये ड्राई रेडिश डाल दीजिए। Don't add it anything, nothing, just let it dry radish only. इसके साथ कुछ भी मत डालिए, सिर्फ ड्राई रेडिश ही, सूखे हुए रेडिश ही देखिए डालिए। And then just roast it. इसको सिर्फ भूनना है। Just roast it. सिर्फ ऐसे रोस्ट करना है, भूनना है। Now it's done. This color is brown color. Brown color में ये change हो गया है, ये अभी हो गया है। It's done. When it's done, you put this radish. जब ये बन जाएगा ऐसे, तो इसको ऐसे रख डालना है। Put with water. पानी के साथ। अभी आप जो भी है आपके घर में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील का जो भी रहेगा। यहाँ पे ग्लास का भाई से लिए इन्होंने यूज किया है। आप कोई भी एनीथिंग कोई भी। ओके इट्स डन। ये अभी बन गई है। सिंपल राइट, आसान है ना। इट्स रियली रियली नाइस देन योर इमेजिनेशन। जो आप इसके कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं इसको कैसे बनेगी, इससे कई गुना बहुत अच्छी बनेगी। कलर देखिए आप, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर है, दिखने में काफी अच्छी लग रही है। Never imagination this is radish. ये आप कभी भी आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये भूली होगी। ट्राई टू मेक दिस टी। ये आप ऐसी टी बनाने की कोशिश कीजिए घर पे। Let's have it together. ये साथ में पियेंगे, बना रहे आप तो साथ में पिएंगे। This is really really awesome. बहुत अच्छा टेस्ट है, एकदम awesome टेस्ट है इसका। Try. आप एक बार कोशिश कीजिए, बना के देखिए। This is natural calcium. ये natural calcium है। Okay. Thank you. Okay.